अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स अभी तक अभी हमने कौन से फॉर्म में बताया था, स्केलर फॉर्म में, कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पे भी हमने वेक्टर फॉर्म को प्रेजेंट नहीं किया था इस वाले फार्मूले में। अब हम कौन से फॉर्म को बताएंगे, इसके वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे कि उसको वेक्टर फॉर्म में किस स्टेप से बता सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए वापस मैं डायग्राम बता रहा हूँ, देखिए कैसे। एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है क्यू वन प्लस का क्यू वन, ओके। एक दूसरा चार्ज है प्लस का क्यू टू, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं बट दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये भी प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड भले अलग अलग है लेकिन दोनों के पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़ूम कर लेते हैं हम स्मॉल आर, कि दोनों के बीच डिस्टेंस हमारे पास हो गई स्मॉल आर। अब क्या देख रहे हैं हम कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करेंगे, दोनों में रिपल्जन वाला फोर्स लगेगा। तो ये जो प्लस का क्यू वन चार्ज है ये कहाँ की तरफ जाने के लिए ट्राई करेगा, इस डायरेक्शन में, ओके। प्लस का क्यू टू चार्ज है वो भी इससे दूर जाने के लिए ट्राई करेगा, तो उस पर भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। लगने वाला फोर्स क्या होगा इसमें भी एफ होगा, कि उसका इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो गया हमारे पास एफ। ये भी एफ फोर्स लगाएगा और ये भी एफ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स सेम लगाएंगे बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जो Q2 है Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और जो Q1 है उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इसका मैग्नीट्यूड भी F रहेगा और Q1 के लिए भी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा F रहता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अब हमें यहाँ पर इनकी डायरेक्शन, जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बताते हैं, तो अब हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, जो इस पे लगने वाला कूलॉम्स लॉ है एफ क्या होगा, Q2 पे लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू के, वेक्टर फॉर्म में लग रहा हूँ इसलिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो रख रहा हूँ मैं k की जगह, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज स्मॉल r, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये मैंने कौन से फॉर्म में लगाया, अभी वेक्टर नहीं लगाए इसके ऊपर, लेकिन अब हमें वेक्टर फॉर्म में लगा रहे हैं, तो इस f के ऊपर क्या लगा देता हूँ मैं, वेक्टर लगा देता हूँ, इस f के ऊपर वेक्टर लगा दिया। लेकिन जब मैं इस f के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ तो जो ये फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स कब है, किसके कारण लग रहा है ये वाला फोर्स, Q1 Q2 पर लग रहा है ड्यू टू Q1, सो दैट इज फोर्स Q2 ड्यू टू Q1। तो इस फोर्स को बोल देता हूं मैं F21, कि 1 पे लग रहा है लेकिन सॉरी 2 पे लग रहा है लेकिन किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, तो इसको हमने F21 फोर्स बोल दिया, ओके। तो ये हो गया F21 फोर्स हमारा। अब हम बात कर लेते हैं, इसको तो मैंने वेक्टर फॉर्म में बता दिया लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकूँ। तो अब मुझे जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को भी मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना होगा। इस राइट हैंड साइड को वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट है यूनिट वेक्टर में क्या आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट Q1 से चला मैं कहाँ तक गया, Q2 तक, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल रहा हूँ, R21। क्या डिस्प्लेसमेंट बोला मैंने, Q1 से कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q2 तक। अगर हम Q1
Q1 से Q2 तक गए, यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल दिया मैंने, R21 बोल दिया है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में बता दिया मैंने, ये R21, तो यहाँ पर R21 क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो R21 क्या है हमारे पास, Q1 डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 से Q2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, R21 हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये आया तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, R, यूनिट वेक्टर को किससे बताते हैं हम, कैप से। तो R21 इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया। तो ये जो अब मेरे पास राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई मेरे पास, वेक्टर फॉर्म के अंदर डिनोट हो चुकी है। अगर ये स्केलर फॉर्म में चल रही थी, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो क्या करा मैंने, इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट हो चुकी है। ओके, अब एक और चीज थी जो हमने 11th में कॉन्सेप्ट था कि यूनिट वेक्टर, एक फॉर्मूला था आपके वेक्टर वाले चैप्टर में, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है आपके पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना लिया मैंने, R21 है, सो दैट इज यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, क्या वेक्टर है हमारे पास, R21 वेक्टर। सो R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, दैट इज अ साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हम R21 का क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सो दैट इज अ यूनिट वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, यूनिट वेक्टर है, वैल्यू निकाल ली मैंने इक्वेशन नंबर 2 में, लेट पुट इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इक्वेशन 1 अपॉन R। अब इधर देखिए, ये R क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, ये वाली R हमारे पास डिस्टेंस है। हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो हमने ये R को डिस्टेंस बोला था, दैट इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इस डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए इसको किस में साइन बताएंगे हम, मोड के साइन के अंदर। और आर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R21 है, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर इसका। ओके, डिस्टेंस की टर्म लिख दी। अब फर्स्ट में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट करूंगा, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, क्या आएगा, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन सी F21 स्क्वायर एंड F21 पावर 1, टोटल पावर नीचे की तरफ पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 3। सो R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर पावर क्यूब एंड ऊपर आ रहा है हमारे पास R21 वेक्टर। ओके,
तो ये जो F21 निकला है, ये हमारे पास निकला है Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा, उस फोर्स की वैल्यू आ रही है F21 वेक्टर में इस फॉर्म में। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने क्या निकाला कि Q2 के कारण Q1 के थ्रू Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। अब हम बात करेंगे कि Q2 के थ्रू Q1 पे कितना फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को क्या बोल देता हूं मैं, F12 वेक्टर। वही होगा पूरा, जैसे हमने Q1 के थ्रू Q2 पर फोर्स निकाला है, वैसे अब हम Q2 के थ्रू Q1 पर फोर्स निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे F21 वेक्टर। ओके, सिमिलरली चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज, बट नीचे क्या आ जाएगा, 2 1 था, 2 पे फोर्स निकाल रहे थे हम 1 के थ्रू, अब 1 पे फोर्स निकाल रहे हैं 2 के थ्रू, तो नीचे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब, एंड ऊपर की तरफ यहां पर भी क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर। ये आया हमारे पास फोर्स किस पे, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण लगने वाला फोर्स आ गया। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे बता रही है फोर्स लग रहा है हमारे पास Q2 के थ्रू Q1 के थ्रू Q2 पर, वो इक्वेशन नंबर 3 में। और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो बता रही है फोर्स Q1 के थ्रू कहाँ लग रहा है, सॉरी Q2 के थ्रू लग रहा है हमारे पास, Q1 पे लग रहा है, ये इक्वेशन नंबर 3 बता रही है। ओके, ये दोनों फोर्स आ गए। अब एक और चीज है वेक्टर में, 11th क्लास में हमने एक और चीज देखी थी, क्या देखा था हमने कि अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर, अगर ये वाला वेक्टर है, अगर ये ए है और सिमिलरली ये वेक्टर है और ये वेक्टर अगर बी है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, कि ए वेक्टर इक्वल तो होगा बी वेक्टर के, बट बी का कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आता है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बट क्या साइन डिनोट करेगा, नेगेटिव वाला साइन जो आएगा वो आएगा कि दोनों ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, कैसे, देखिए जो R12 वेक्टर है और R21 वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के, अब R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया, तो R12 वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लूंगा मैं, R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया और R21 वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों Q1 और Q2 के बीच में, तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, यहाँ हेयर R12 वेक्टर इक्वल टू तो होगा R21 वेक्टर के, बट विथ नेगेटिव साइन। दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा आपके पास, नेगेटिव का साइन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, तो इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो इक्वेशन 5 की वैल्यू है, R12 की वैल्यू है, ये वो कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 में R12 आ रहा है, बट इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अगर इसके अंदर मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो क्या होता है, यस हाँ, इक्वेशन नंबर 5 है ये वाली वैल्यू में इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं, तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज, तो Q1 Q2 एज इट इज। अब नीचे देखिए, नीचे क्या आ रहा है, R12 आ रहा है और उसका क्यूब आ रहा है। अब R12 की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं,
तो मोड के अंदर है। मोड में अगर कोई नेगेटिव चीज भी लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट, ये नेगेटिव है मेरे पास, अगर नेगेटिव चीज लूंगा तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, आर टू वन का होल क्यूब रहेगा, और ये मोड के अंदर क्या आ गया, क्यूब आ गया मोड के बाद। ओके साथ में क्या होगा, ऊपर आर वन टू वैक्टर, आर वन टू वैक्टर को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, माइनस आर टू वन वैक्टर लिखता हूँ। अब ये वाला माइनस जो आगे दिख रहा है, इस वाले माइनस को मैं आगे ले आता हूँ, तो अगर इस वाले माइनस को मैं आगे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू वैक्टर होल क्यूब मोड ऑफ क्यूब आर टू वन वैक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ यू कैन सी इजीली इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 6, दैट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 6 एंड दैट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, बोथ आर सेम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 r12 वेक्टर मोड ऑफ क्यू एंड आर टू सॉरी आर टू वन वैक्टर मोड ऑफ क्यू एंड आर टू वन वैक्टर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 वी कैन इजिली सी दैट एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू दैट माइनस, इस पूरी जो ब्रैकेट में मैंने ब्लू ब्रैकेट में लिया है, इस पूरे की जगह इक्वेशन नंबर 6 में इस पूरे की जगह क्या ले सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, एफ टू वन वैक्टर, तो इस पूरे की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, एफ टू वन वैक्टर प्रेजेंट कर सकता हूँ, एफ टू वन वैक्टर हो गया। तो क्या पता चल रहा है हमें इस वैक्टर रिप्रेजेंटेशन से, कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, एफ टू वन वाला फोर्स एंड एफ टू वन वाला फोर्स एंड एफ वन टू वैक्टर वाला फोर्स, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे बट दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ये सॉरी ये वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में